गरीब का बच्चा नौकरी करता है सेना की, देश की सेवा करता है, वो कौन लोग हैं, वो नौजवान कहाँ से आते हैं, उनके माँ बाप क्या करते हैं, उनके माँ बाप किसान हैं, उनके माँ बाप मजदूर हैं, उनके माँ बाप छोटे दुकानदार हैं, छोटा व्यवसाय चलाते हैं, उनके बच्चे फौज की नौकरी करते हैं क्या। अपने ही जिले के शहीद पिंटू सिंह का घर आप जाकर के देख लीजिए, पक्का मकान नहीं है, कच्चा मकान है, और घर में एकमात्र कमाने वाला है जिसकी आमदनी से घर चल रहा है। शहादत वैसे इंसान की होती है और सियासत कैसे इंसान की होती है, जो बड़े बड़े पैसे वालों के हेलीकॉप्टर पर घूमता है। बेटा भी हमारा ही मरे, भाई भी हमारा ही मरे, और देशद्रोही भी हम ही को कहा जाए, ये समाज की सच्चाई है। एक दर्दनाक घटना पिछले दिनों हुई, पुलवामा का हमला हुआ, शहीदों की शहादत हुई, लेकिन उस घटना के बाद किस तरह का माहौल समाज में फैलाया गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते कहते किस चालाकी से नफरत का व्यापार करने वाले ये लोग मुसलमान मुर्दाबाद बनने लगे। और आप सोचिए कि अताउर रहमान जिन मूल्यों को लेकर जीवन जीते थे, उनके कान में जब ये शब्द पड़ते तो उनको कितना बुरा लगता। इसलिए मैं समझता हूं कि आज जब हम अताउर रहमान जी को याद कर रहे हैं तो उस खतरे को हमको समझना पड़ेगा किस तरीके से इस देश को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। जो काम 1947 में भारत के इस हिस्से में, जिसको हम भारत कहते हैं, अंग्रेज नहीं कर पाए, वो काम आज के डेट में इस देश में बैठे हुए गद्दी पे लोग कर रहे हैं। जो काम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी नहीं कर पाई, वो काम इस देश की सरकार ने 5 सालों में कर दिया। इस देश के ही नागरिकों को, जो हमारे ही देश के लोग हैं, उनको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, आपको हम जो कहेंगे वो आपको सुनना पड़ेगा, आपको जो हम कहेंगे खाने के लिए वो आपको खाना पड़ेगा, आपको जो हम कहेंगे पहनने के लिए वो आपको पहनना पड़ेगा, और आपको जो हम कहेंगे बोलने के लिए आपको वही बोलना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति समाज में पैदा की जा रही है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि आप जब समाज को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। जब भी किसी चीज को छुपाना होता है तब लोगों का ध्यान भटकाना बहुत जरूरी हो जाता है। आप में से बहुत लोग आसपास मेला लगते रहता है, मेला देखने के लिए जाते हैं। मेला में एक खेला होता है मौत का कुआं। तो उस मौत के कुएं में क्या होता है कि माइक्रोफोन लगा होता है, माइक लगा होता है, और जोर जोर से एक आदमी चिल्ला रहा होता है, आइए आइए मौत का कुआं का खेला देखिए कि कैसे गड्ढे में 2 मोटरसाइकिल गुड़िया घुमा रही है, 2 मोटरसाइकिल, और एक लड़की मंच पे खड़ी होती है, और सब लोग जो उस गुड़िया को देख करके लगता है कि चलो देखते हैं कि लड़की कैसे मोटरसाइकिल चलाती है। और जब आप टिकट खरीद लीजिएगा और टिकट खरीद के अंदर जाइएगा तो पता चलेगा वो गुड़िया तो अभी भी वहीं खड़ी है, मोटरसाइकिल चलाने वाला कोई और है। और आपको बड़ा देख करके आश्चर्य होगा कि कैसे इस गड्ढे में ये मोटरसाइकिल घुमा रहा है। उसका रोज का काम है, उसका रोज का काम है वो मोटरसाइकिल उसमें घुमाता है। लेकिन आपको बहुत आश्चर्य होगा, आपका ध्यान किस तरीके से आकर्षित किया गया, एक शब्द का इस्तेमाल किया गया कि देखिए गुड़िया कैसे मोटरसाइकिल घुमाती है, और आप उस आकर्षण में पड़ के उस मौत के कुएं को देखने के लिए चले गए। यह सरकार भी हमारे साथ इसी तरीके का मौत का खेला कर रहा है, दिखाता है अच्छा दिन
दिखाता है विकास और बेचता है हिंदू और मुसलमान का नफरत, दिखाता है नौकरी, दिखाता है खूब अच्छा हम समाज को बना देंगे, अच्छा सड़क बना देंगे, अच्छा अच्छा फोटो दिखाता है और समाज को जलाता है मंदिर और मस्जिद। आप हमको बताइए कि ऐसा कौन सा धर्म है जो कहता है कि इंसान को मारकर या दूसरे धर्म के मानने वाले इंसानों को मार करके हमारा धर्म जिंदा होगा? ऐसा कौन सा धर्म है? और जब हम भारत की बात करेंगे तो भारत की संस्कृति इतनी शानदार रही है, जिसके इतिहास को जब आप उठा करके देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि सिर्फ अताउर रहमान साहब ऐसे नहीं थे कि हिंदू और मुसलमान में अंतर नहीं करते थे। आप अमीर खुसरो साहब की नज्मों को पढ़िए, उनकी नज्म फारसी से शुरू होती थी और खरी बोली पे जाकर के खत्म होती थी। आप हिंदुस्तान के वो सारे फनकार जिन्होंने शेरो शायरी लिखी है, जिन्होंने गीत लिखा है, जिन्होंने गीत गाया है, उसके इतिहास को उठा करके देखिए। एक बहुत मशहूर गाना है, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि इस गीत को मोहम्मद रफी ने गाया था। ये इस देश की खासियत रही है और इस देश की खासियत को ये तोड़ देना चाहते हैं, ये बदल देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो प्रयोग हमारे साथ करना चाहते हैं जो प्रयोग किसी जमाने में हिटलर नाम के एक खूंखार व्यक्ति ने जर्मनी के भीतर किया था, कि देश के भीतर ही अपने ही देश के लोगों को इस संदेह में डाल देना है कि वो अपने पड़ोसी से नफरत करना शुरू कर दें। इसीलिए कमलेश्वर नाम के एक उपन्यासकार ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है कितने पाकिस्तान, और उस किताब में यह बताया गया कि 1947 में भारत का बंटवारा, ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुआ, लेकिन जो भारत बना है वो भारत में रोज बंटवारे किए जा रहे हैं, धर्म के आधार पे, मंदिर और मस्जिद के आधार पे। और इसको यदि आप समझना चाहते हैं तो आप कोई भी इलाका घूम करके देख लीजिए देश का, जो पहले इस्लाम चौक था वो बदल करके मुसलमान चौक हुआ, और वो मुसलमान चौक कब बदल करके पाकिस्तान चौक हो गया ये आपको पता ही नहीं चलेगा। जहां कहीं भी अल्पसंख्यकों की संख्या है थोड़ी ज्यादा, आप जाकर के देखिए कि उसके बारे में बाकी लोगों के द्वारा क्या बोला जाता है। ये हमारा सच नहीं है, हमारा सच ये है कि अताउर रहमान एक मुसलमान परिवार में पैदा जरूर हुए, लेकिन एक हिंदू गरीब के लिए भी इंदिरा आवास का घर बनाते थे, उसके लिए भी ब्लॉक जाते थे और उसके लिए भी लड़ते थे। ये हमारा सच है, इस सच को हमको स्वीकार करना पड़ेगा और इस सच को लेकर के हमको सजग होना पड़ेगा और हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे साथ एक खेल खेला जा रहा है। खेल ये है कि गरीब का घर लूट करके अमीरों को और अमीर बनाना है, और इस खेल को करने के लिए जरूरी है जो गरीब लोग हैं उनको आपस में हिंदू और मुसलमान में बांट दिया जाए, उनको आपस में सवर्ण और अवर्ण में बांट दिया जाए, वो जो मजदूर हैं जिनकी मजदूरी मारी जाती है उनको धर्म के झगड़ों में फंसा दिया जाए। एक उदाहरण आप हमको सोच करके बताइए, आप में से बहुत सारे लोग किसी ना किसी ठेकेदार के अंदर काम करते हैं, ठेकेदार की भी कोई ना कोई जाति, कोई ना कोई धर्म होगा। मजदूरी का बेईमानी वो अपने जात और अपने धर्म के लोगों का नहीं करता है। जो दुकानदार बाजार में कम तौलता है हमको बताइए तो वो अपने जात वालों को सही तौल के देता है। आप किसी से दूध खरीदते हैं तो आपका जात देख करके आपको दूध सस्ता दे देता है। जो पैसा को लूटने वाले बेईमान होते हैं उन्हें
अताउर रहमान साहब को याद कर रहे हैं, तो इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना जीवन इस समाज को दिया है।